Welcome to the channel. Today I shall be giving the answer of chapter number 8, Industry and Trade, from 9th standard History and Political Science. So let's solve the question answer. Question number 1, choose the right option and rewrite the sentence. First one, in 1948, Industrial Finance Corporation of India was formed for, answer B will come, making available long-term loans to industrial projects. Second dash industry in India is called as the sunrise sector. Answer is automobile. Third, the major responsibility of textile committee is determining the quality standard of a cloth. Answer B will come. And fourth, dash is the major Indian city in the production of bicycle. Answer is B1 Ludhiana. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी, आइडेंटिफाई दी रॉन्ग पेयर एंड रीराइट दी करेक्ट वंस. क्वेश्चन बी में आपका फर्स्ट सेकंड पेयर राइट है, थर्ड वाला रॉन्ग है. टेक्सटाइल कमेटी वेलफेयर ऑफ वीवर्स, ये आपका पेयर रॉन्ग है. तो इसमें आंसर आएगा आपका, टेक्सटाइल कमेटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो राइट. क्वेश्चन नंबर 2, A. Create a concept picture based on the chapter. First one, industries in India. Concept chart में आपको industries को categorize करना है, textile, khadi and village, vehicles, agriculture and allied and others में आपको इस तरह से categorize करके इसके points लिखना है. एंड नेक्स्ट है आपका इंडियाज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो इसमें भी आपको चार्ट बनाना है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट का. तो इम्पोर्ट्स क्या क्या होता है, टेक्नोलॉजी, आयरन एंड स्टील, मशीनरी और मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्शन. एंड एक्सपोर्ट्स में भी आपको जितने भी एक्सपोर्ट होते होंगे इंडिया से वो आपको लिखना है पॉइंट करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिया. इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 45 पर. इंटरनल ट्रेड का पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, लेकिन आपको इसको पॉइंट वाइज करके लिखना है. जैसे अगर एक सेंटेंस है तो उसको पॉइंट नंबर 1 कर दीजिए एंड सेकंड को पॉइंट नंबर 2. इस तरह से आपको पॉइंट करके आंसर लिखना है. इससे लिखने से आपको बाय हार्ट करने में आसानी होगी, और अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ये आता है तो आपको मेमोराइज जल्दी हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विथ रीजंस. फर्स्ट वन, द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड अ लॉट इन इंडिया. पेज नंबर 45 पर टूरिज्म के पैराग्राफ में, इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. ये आपको पूरा पॉइंट वाइज करके लिखना है. इससे पहले मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है. इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल, यहाँ से लेके आपको टूरिस्ट प्लेसेस तक आंसर में लिखना है पॉइंट वाइज करके. क्वेश्चन थर्ड, सेकंड, द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन सिटीजन्स इज इंक्रीजिंग. इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसे कॉपी डाउन करना है या तो फिर आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर बी, राइट आंसर इन 25 to 30 words. फर्स्ट वन, व्हाट एफर्ट्स आर मेड बाय आवर गवर्नमेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज. This answer is given on page number 44 in order to encourage farming. यहाँ से लेके आपको farm produce तक लिखना है, और इसको भी आपको point wise करके लिखना है. ठीक है, next question is a second. How is employment generated in tourism sector? Page number 45 पर इसका answer है आपका, tourists from our country as well as from abroad travel in India throughout the year. ठीक है, यहाँ से लेके आपको पूरा आंसर लिखना है. इन सम प्लेसेस देर आर गाइड्स हु गिव, ये सेकंड पैराग्राफ को भी पॉइंट वाइज करके लिखना है. मतलब दोनों पैराग्राफ आपको पॉइंट करके लिखना है पॉइंट वाइज. क्वेश्चन में वही पूछा गया है तो आपको आंसर थोड़ा लेंथी मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. पेज नंबर 45 पर, गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड सम फॉरेस्ट फॉर दी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. यहाँ से लेके आपको नीडेड फॉर पेंट तक आंसर लिखना है पॉइंट करके. ठीक है, हाईलाइट करके पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फोर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल, गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया एंड गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पर गुड्स के नेम दिए हैं इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट में, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन का भी बटन दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे. और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं यहाँ से कॉपी लिंक करके, या तो फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं या तो जूम क्लाउड मीटिंग में भेज सकते हैं. कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.